आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, यानी कि मिट्टी का वर्गीकरण। तो मिट्टी के वर्गीकरण को चार भागों में बांटा गया है, भागों में चार भागों में। पहला भाग है इंटरनल सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, इंटरनल सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन दैट मींस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण। तो मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी प्रावस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि मिट्टी को किस प्रकार से बांटा गया है और ये किस हिसाब से बनाया गया। इसको सबसे पहले अगर बात किया जाए तो उसके अभिलक्षण, उसके करैक्टर को देख करके इंटरनल सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन को बनाया गया है। अगर इसकी प्रावस्था को देखा है, इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे कि ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रुप, फैमिली, सीरीज, डेथ। तो इसका अगर ऑर्डर या गण की बात करें, इसको फिर से तीन भागों में बांटा जाता है। क्या क्या भाग है? पहला भाग है जूनल, सेकंड नंबर है इंफ्राजूनल और थर्ड नंबर है एजूनल। अब ये कन्फ्यूजन होता है कि जूनल मिट्टी, एजूनल और इंफ्राजूनल क्या क्या है। तो पहले देखना है जूनल, जूनल में कैसे बांटा गया। तो जूनल की बात करें, वे मिट्टी ऐसी मिट्टी आएंगी जिनका जल निकास वाले मूल द्रव्य से विकसित होता है, यानी कि जल निकास करने के बाद जो जो मेन सब्सटेंस बच जाता है, जो जो मूल पदार्थ बच जाता है, उससे विकसित होते हैं आपका मिट्टी, जूनल मिट्टी। समझ आया? तो जूनल मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी आएगी? आपका पाइट जालस। जूनल मिट्टी में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आते हैं पाइट जालस और इसमें आते हैं आपके लैटराइट। बटने वाली मिट्टी जिनके गुणधर्म, जिनका नेचर, जलवायु यानी कि क्लाइमेट और वनस्पति यानी कि पौधों की अपेक्षा मूल द्रव से अधिक विकसित होता है, यानी कि जो मैन सब्सटेंस होता है वहां से विकसित होता है, ना कि आपके क्लाइमेट से, ना आपके प्लांट से, ये मैन पदार्थ से विकसित होता है। ऐसे मिट्टी को बोला जाता है इंट्राजूनल मिट्टी। ऐसी मिट्टी को, ऐसी मिट्टी जो कि मुख्य पदार्थों से निर्मित होते हैं, ना कि उसके क्लाइमेट से, ना कि उसके वनस्पति से। ठीक है, ऐसे प्रकार की मिट्टी को रखा गया आपके इंट्राजूनल से। और थर्ड नंबर आता है हमारा इंट्राजूनल में कैसी मिट्टी आएंगे? आपके लवणीय मिट्टी है। ठीक है, और थर्ड नंबर आता है हमारा एजूनल से, जिस मृदाओं में मूल द्रव की उपस्थिति अथवा मृदा निर्माण के अचरण के रूप में अधिक ढालूपन के कारण मिट्टी पूर्ण रूप से विकसित न हो पाए, यानी कि मिट्टी में उपस्थित ढलान के हिसाब से मिट्टी सही रूप से बन नहीं पाता है, यानी कि अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। इस प्रकार की मिट्टी को बोला जाता है एजूनल मिट्टी, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे देखना मिट्टी के में क्या होता है, गड्ढा करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे अविकसित मिट्टी को कौन सी कैटेगरी में रखा गया? एजूनल। तो ये समझ में आया आपको कि जूनल मिट्टी, इंट्राजूनल मिट्टी, एजूनल, तीनों को अलग अलग रूप में क्यों बांटे हैं, जूनल में कैसे आते हैं, इंट्राजूनल में कैसे आते हैं और एजूनल में। एजूनल में कैसे आते हैं? ऐसी मिट्टी जहाँ ऐसी होती है ढलान देखने को मिलती है। इंट्राजूनल में कैसे मिट्टी आते हैं? जो कि मुख्य तत्व से बना रहता है, मुख्य द्रव से बना रहता है। और जूनल में कैसी मिट्टी आते हैं तो बताएगा, जूनल में कैसी मिट्टी आते हैं, ये मूल द्रव के साथ विकसित होते हैं और ये वातावरण के साथ साम्य बना रहते हैं। साम्य में समझ रहे हो, समारूपता, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे, समारूप से साम्य बना रहते हैं वातावरण के साथ। ठीक है, ये आपके जूनल मिट्टी में आते हैं। जूनल मिट्टी के दो एग्जांपल बताया था आपका पाइट जालस और लैटराइट, इंट्राजूनल के एक एग्जांपल बताया था लवणी, और आपकी एजूनल की मिट्टी में आपका पोषक तटीय एरिया जो होता है, या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट आता है हमारा जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल।
जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल की बात कर रहे हैं, इसको चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटते हैं इसको? चार भाग। तो फर्स्ट इज थर्मोजेनिक सोइल, सेकंड इज हैलोजेनिक सोइल, थर्ड इज हाइड्रोजेनिक सोइल एंड फोर्थ इज हाइड्रोजेनिक सोइल। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग देखेंगे थर्मोजेनिक सोइल। थर्मोजेनिक सोइल किसको बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको ताप जनक मृदा। हिंदी में क्या बोलेंगे थर्मोजेनिक सोइल को? ताप जनक मृदा। जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, जब उच्च ताप के प्रभाव से, जब हाई टेम्परेचर के प्रभाव से सिलिकेट सिलिकेट खनिज अवघटन के फलस्वरूप बनी कोई मृदा इस वर्ग में आती है। सिलिकेट खनिज जो उसका अवघटन होने से जो मिट्टी बनती है, वो मिट्टी आपके हाथ में थर्मोजेनिक सोइल है, जिसमें आपके सारे जीवाश्म पदार्थ देखने को मिलते हैं। ये सिलिकेट मटेरियल से टूट के बने रहते हैं, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे आपके थर्मोजेनिक सोइल में। इसकी उदाहरण क्या हो जाएगी, सॉरी एक चीज बोला जाए, इसमें जीवाश्म पदार्थ नहीं है। जीवाश्म पदार्थ जो पुराने जमाने में सड़े गले रहते हैं, ये वो सब चीजें नहीं है। तो इसमें आपके आएंगे लैटराइट पीले और लाल रंग की दोमट मिट्टी, यानी कि लैटराइट साइड आपका येलो साइड और आपके आएंगे दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी यानी कि लोमी से आपके थर्मोजेनिक सोइल में आते हैं। थर्मोजेनिक का तीन एग्जांपल फिर से सुन लो, क्या क्या? लैटराइट साइड, येलो साइड और रेड साइड और आपके लोमी से। ठीक है, सेकंड नंबर आते हैं हम लोग हैलोजेनिक सोइल। सेकंड नंबर हमारा टॉपिक है हैलोजेनिक सोइल। हैलोजेनिक में ध्यान रखना हैलोजन की मात्रा अधिक होती है, दैट मींस इसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको बोला जाता है आपका हैलोजेनिक सोइल। समझ में आया सभी को? साहू समझ में आया, इसको बोलते हैं हैलोजेनिक सोइल। लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो, बाद में लिख लेना। हैलोजेनिक सोइल उस मिट्टी को बोलेंगे जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, इसको हैलोजेनिक सोइल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके? ऊसर मृदा। ऊसर मृदा किसको बोलते हैं, कोई बता पाएगा? ऊसर मिट्टी किसको बोलते हैं, एनीबॉडी? कोई भी किसको बोलते हैं ऊसर मिट्टी? कुछ आइडिया है? बताओ बताओ शुभम, ऊसर मिट्टी किसको बोलेंगे? सूर्य के प्रकाश। नो, और कोई दूसरा? अब आप हम लोग जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल देख रहे हैं, इसमें से पहला नंबर पॉइंट हो गया था थर्मोजेनिक सोइल, सेकंड नंबर देखते हैं हैलोजेनिक सोइल। हैलोजेनिक सोइल इसमें आपकी सोडियम की मात्रा अधिक होती है, उसको हैलोजेनिक सोइल के अंदर। इसमें अगर बात करें तो इसमें किस प्रकार की मिट्टी आती है, इसका एग्जाम्पल है ऊसर मिट्टी। ऊसर मिट्टी यानी कि कंकड़ वाले बंजर, कैसी मिट्टी? बंजर। तो लिख लो बंजरी मिट्टी कर, ऊसर मिट्टी कर, अब अगर हमारे लोकल भाषा में बोले तो बंजर मिट्टी। ठीक है, बंजर मिट्टी। अब आज का थर्ड नंबर आपका हाइड्रोजेनिक सोइल। थर्ड नंबर क्या हमारा? हाइड्रोजेनिक सोइल। इसमें अधिक टेम्परेचर, अगर आपका ठंडा वातावरण होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है, मैं बनी कोल्ड टेम्परेचर से बने जीवाश्म पदार्थ, जीवाश्म मृदा, जीवाश्म समझ लो पॉजिस मटेरियल, जो किसी कारणवश से पृथ्वी में बहुत साल पहले से क्या हुए रहते हैं, दब गए रहते हैं या सड़े हुए रहते हैं, या प्राकृतिक आपदा आया होगा जिस वजह से वो हम लोग खुद जानवर या पेड़ पौधे किसी कारणवश से दब गए रहते हैं, अभी उसके हमको बस क्या दिखाई देते हैं, जीवाश्म दिखाई देते हैं, जो कि अभी मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे वातावरण में देखने को मिलते हैं, अत्यंत ठंडे वातावरण में बने जीवाश्म मृदा इस वर्ग में अंतर्गत आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एरिया होगा टुंड्रा एरिया। कौन सा एरिया? टुंड्रा एरिया। और लास्ट नंबर आता है हमारा हाइड्रोजेनिक सोइल, यानी कि पादप जनक मृदा। पादप जनक मृदा किसको बोलेंगे? इसके लिए टेम्परेट क्लाइमेट। इस कैसे टेम्परेट, कैसे वातावरण की जरूरत पड़ती है? टेम्परेट, टेम्परेट मीन समशीतोष्ण, हिंदी में बोलते हैं उसको समशीतोष्ण, और
मिट्टी कैसे होती है, मिट्टी की मात्रा इसमें कम होती है, मिट्टी की मात्रा कैसे होती है कम होती है और कैसे टेम्परेचर में बनती है, समशीतोष्ण टेम्परेचर में बनती है। इसमें जो जीवाणु पदार्थ होते हैं इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि हम लोग देखे थे थर्मोजेनिक सोयल में जीवाणु पदार्थ की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन जीवाणु पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है। ठीक है, क्योंकि ये आपके कैसे क्लाइमेट में बन रहा है, समशीतोष्ण क्लाइमेट में बन रहा है। ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसके एग्जाम्पल है पाटजालक, जो पहले भी लिखे थे, लास्ट नंबर में भी लिख लेना आपका पाटजालक। ठीक है, चार एग्जाम्पल हो गया मृदा का जैविक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोगों का टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, क्योंकि इसको जब हम लोग पढ़ेंगे ये थोड़ा सा लंबा है और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको दो भाग में बांटा जाता है, फिर इसमें पीट सोइल क्या है, मक सोइल क्या है, ये सारे चीजों को आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे।